Good day to all friends. Today I am taking NEET MCQ of the topic Gymnosperm and Angiosperm, Class 11th Biology, Chapter 3. The name of chapter is Plant Kingdom. And today's topic is Gymnosperm and Angiosperm. This video lecture includes 45 MCQ of Gymnosperm or Gymnosperm and Angiosperm. So let us start the topic. Friends, this is the fourth part of the plant kingdom, and as you know, I continue to deliver the video lecture with respect to the NEET MCQ. If you like the video, then please subscribe the channel and share it to your friends. So let's start. The question number one, that is, Antheridia is absent in. Antheridia are absent in. Okay. As we know that Antheridia is completely absent in Gymnosperm. Antheridia present from algae to pteridophytes. It is absent in Gymnosperm. So obviously, the right answer is Cycas. Right answer is Cycas. Now question number second, the male cone of Pinus is homologous to. Obviously, we know that the Pinus stem is dimorphic, it having a dwarf branch and long branch. Dwarf branch is the site of male cone, and long branch is the site of female cone. So we can say that male cone of Pinus is homologous to dwarf branch. The B is the right option. Now the question number three. Fern foliage are not lined by Grazer. It is due to presence of a chemical. The name of that chemical is Flobifin. Okay, so this is interesting question. Now the question number four. What is present in Gymnosperm? Antheridia Gymnosperm mein present nahi hota hai. NCC bhi Gymnosperm ke andar present nahi hota hai. Three ring cell. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा, टू रिंग सेल एंड वन कैप सेल. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर फाइव, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म. ओके, एज वी नो दैट इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, इट इज हैप्लॉइड. सो प्रोड्यूस आर्चिगोनिया, यस दिस इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन ए इज द राइट, बिकॉज इट इज नॉट अ डिप्लॉइड. डिप्लॉइड एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये प्री फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलप फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन. नो, ये सारे करेक्टरिस्टिक एंजियोस्पर्म के, लेकिन ये क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म का है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, प्रोड्यूस आर्चिगोनिया, बिकॉज एंडोस्पर्म की सेल से ही आर्चिगोनिया डेवलप होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इज नॉट ट्रू फॉर साइकस रिवोल्यूटा, इट इज नेटिव ऑफ चाइना एंड जापान. ओके, दिस इज राइट. नॉन एज सागो पाम इन इंडिया. ओके, दिस इज अगेन राइट. ऑल्सो नॉन एज लिविंग फॉसिल्स, दिस इज अगेन राइट. सो द ऑप्शन डी, इट इज 8 to 10 मीटर टॉल, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द साइकस रिवोल्यूटा. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन, वॉट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम एलगी टू जिम्नोस्पर्म. वो एलगी टू जिम्नोस्पर्म अल्टरनेशन मोस्ट इवोल्यूटरी क्या है, कि इसके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन बन रही है. फ्रॉम टेडोफाइट ऑनवर्ड्स द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट. सो द राइट आंसर इज इलोबिएशन ऑफ स्पोरोफाइट ग्रेजुअली, क्योंकि इसके अंदर सी इज राइट आंसर हो जाएगा. एलिमिनेशन ऑफ स्पोरोफाइट हो नहीं सकता, ग्रेजुअल इलोबिएशन ऑफ गैमेटोफाइट हो नहीं सकता, इलोबिएशन ऑफ स्पोरोफाइट ग्रेजुअली, सी ऑप्शन राइट है. ओके, क्वेश्चन नंबर एट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन इन प्लांट वेयर. तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर होती है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में. ऑप्शन ए, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट. डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट. ओके, गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. सीड फॉर्मेशन इज इनविटेबल. तो इनके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे जिम्नोस्पर्म के अंदर करेक्टरिस्टिक मिलती है. नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ साइकस. ओके, पोलॉइड रूट कंटेन एल्गल जॉन. ओके, फर्टिलाइजेशन इज साइफेनोगेमस एंड जाइडियोगेमस, ये भी राइट है. सीड है 3 to 12
3 टू 18 कोरिलेटस, नो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट साइकस, ये पाइनस में मिलता है क्योंकि पाइनस के अंदर कोरिलेटस जो होता है वो 3 टू 18 होता है और फोर्थ इट हैज लार्जेस्ट ओव्यूल स्पर्म एंड एग, ये भी साइकस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। सो सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है साइकस के बारे में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट बिलोंग टू एंजियोस्पर्म। ओके, जाइलम कंटेन वेसल्स अलोंग विद ट्रैकिड, ये तो जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्लोइड एरोस, ये भी प्रेजेंट है। अक्रेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द प्रेजेंस, ये भी प्रेजेंट है। एसेंशियल ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नो, क्योंकि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन साइफेनोगैमस होता है, पोलन ट्यूब के द्वारा होता है, वहां पे जोइडियोगैमस नहीं रहता है, वाटर एसेंशियलिटी नहीं रहती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इट इज 3D, पहला ही इनकरेक्ट है क्योंकि ये 2D क्लासिफिकेशन था, ये 3D क्लासिफिकेशन नहीं था। और बाकी आप ऑप्शन देखेंगे बी सी और डी, ये तीनों करेक्ट है बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के लिए। रेनल्स गिवन प्रिमिटिव पोजीशन बिल्कुल राइट है। मोनोकोड आर कंसिडर एडवांस, ये भी राइट है। इट हैज ग्रेट प्रैक्टिकल वैल्यू, ये भी राइट है। लेकिन ये 2D क्लासिफिकेशन था, 3D क्लासिफिकेशन तो हुकर के द्वारा दिया गया था, सॉरी हचिंसन के द्वारा, या जो फाइलोजेनेटिक था वो 3D क्लासिफिकेशन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर वुड इज करेक्ट फॉर पाइनस। तो पाइनस के लिए ये मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्योंकि मोनोजाइलिक होता है पाइनस के लिए, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि सिंगल कैम्बियम रिंग होती है और वैस्कुलर बंडल भी सिंगल होता है, और पिक्नोजाइलिक का मतलब है कि इसके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं उसके अंदर मेडुलरी रिंग प्रेजेंट होती है, इट इज अ कॉम्पैक्ट टिश्यू नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू लाइक साइकस। सो मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक इज द राइट आंसर फॉर द पाइनस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, इन पाइनस पॉलिनेशन इज, तो पॉलिनेशन पाइनस के अंदर फोर सेल्ड स्टेज में हो जाता है मेल गैमेटोफाइट में, और डायरेक्ट होता है, कौन सा होता है डायरेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखें, ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, मीन्स एनिमोफिलस एयर की हेल्प से होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन प्लांटी इज एक्सक्लूसिवली हेटरोस्पोरस। तो डेफिनेटली हेट्रो ब्रायोफाइट को होमोस्पोरस होता है, टेडोफाइट में होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोफाइटा वर्ड तो सबके लिए है, ब्रायोफाइटा के लिए भी है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट वर्ड नहीं है। सो सी इज द स्पर्मेटोफाइटा इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज स्पर्मेटोफाइटा टर्म यूज फॉर द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और वो कंप्लीटली हेट्रोस्पोरस होता है, एक्सक्लूसिवली हेट्रोस्पोरस रहते हैं। सो द राइट आंसर इज सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बेस्ड। ओके, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म, एंटेमो फिली, नो, ये एनिमोफिली होता है, ये मेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट ओव्यूल लिटम, नो, ये साइकस में रहता है। लार्जेस्ट मेल गैमेट साइकस, बिल्कुल सही है, ये मेस्ड है। चिलगोजा पाइनस का होता है, नहीं, चिलगोजा पाइनस का नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट मेस्ट कौन सा है, सी, राइट आंसर इज सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज लिविंग फॉसिल्स। तो इनका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपको, गिंगो, मेटास्कोइया और साइकस, इन तीनों को लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, प्रेजेंस ऑफ नॉन पोरस एंड सॉफ्ट वुड, ये जिम्नोस्पर्म का फीचर है। यूस्टिलिक स्पर्मेटोफाइट, यस, बिकॉज द स्टील प्रेजेंट इन साइड द पेरिसाइकल एंड वी कैन से दे आर प्रेजेंट द वैस्कुलर बंडल रिंग। ओके, सीड अकर इन साइड द फ्रूट, नो, बिकॉज दे आर नेकेड सीड, जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीड, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। नाउ डी, फ्लोएम डज नॉट पोजेस सीव ट्यूब एंड कंपेनियन, दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज सीव सेल इज प्रेजेंट बट कंपेनियन सेल इज एब्सेंट, और सीव ट्यूब भी नहीं होता, सीव सेल प्रेजेंट होती है। सो राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17 इज सीड अकर इन साइड अ फ्रूट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म नॉट द जिम्नोस्पर्म। Now the question number 18, which of the following are phanerogamous without ovary? Obviously it is gymnosperm, phanerogamous without ovary, so right answer kya ho gaya? Third, Anamina cycads, question number 19, Anamina cycads, a blue-green algae is associated with, obviously it is colloid root of the cycas, right answer is the second. Now the question number 20, which of the feature is common in both angiosperm and gymnosperm? Okay, options dekh lete hain, first, diploid heterosporous, डिप्लॉइड हेटरोस्पोरस प्रोफाइट, ओके, ये कॉमन है। विच ऑफ द फीचर इज कॉमन इन बॉन्ड, डिप्लॉइड हेटरोस्पोरस स्पोरोफाइट, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता दोनों में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो सिंगल फर्टिलाइजेशन, साइफेनोगैमस केवल एंजियोस्पर्म में होता है, और हम ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में भी साइफेनोगैमस होता है, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट इसमें बिल्कुल राइट होगा। 21, सेलेक्ट इनकरेक्ट मेज, साइकस पिनेट लीव, दिस इज करेक्ट, पाइनस सागो,
पाइनस इज नॉट सागो, ये इनकरेक्ट मेज है, क्योंकि सागो जो होता है वो साइकस होता है, इफेड्रा श्रबी है, टेक्सस एंटी कैंसरस है. सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज द सेकंड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, फर्टिलाइज एग सेल ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट हैज 20 क्रोमोसोम. ओके, इट मीन्स एग सेल फर्टिलाइज है, जाइगोट है, जाइगोट 2n होता है, डिप्लॉइड इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू 20, देन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सिंगल फर्टिलाइजेशन के होता है, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है जिम्नोस्पर्म में, दैट इज हैप्लॉइड फर्टिलाइजेशन इज देयर, सो n इज इक्वल्स टू 10 बिकॉज 2n इक्वल्स टू 20, द राइट ऑप्शन इज द वन. Now the question number 23, choose incorrect with respect to pinus. Okay, branches are dimorphic, this is the correct. Leaf dimorphic, correct. Seed are not winged. Polycotyledon seed, ये भी correct. So incorrect कौन सा हुआ? Seed are not winged. क्योंकि सीड भी इसके अंदर विंग्ड बनते हैं, पॉलीकोटिलेडोनस सीड हम कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 टू 18 कोटिलेडोनस बनते हैं, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? सीड आर नॉट विंग, सीड विंग्ड होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म. सो ये किसके अंदर होगा? पाइनस. दिस इज जिम्नोस्पर्म कौन है? पाइनस है. राइट आंसर पाइनस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, पाइनस इज मोनोसियस ट्री विद. ओके, इट इज मोनोसियस बिकॉज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट, मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, सो इट इज पिक्नोजाइलिक वुड. इट इज पिक्नोजाइलिक वुड, क्योंकि आपको बताया था कि ये मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड के अंदर, सॉरी मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड कैटेगरी के अंदर आता है. डिप्लॉइड एंडोस्पर्म हो नहीं सकता क्योंकि वो एंजियोस्पर्म है. कवर्ड ओव्यूल हो नहीं सकता क्योंकि वो एंजियोस्पर्म की करैक्टरिस्टिक है. अब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया हो नहीं सकता क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है. पिक्नोजाइलिक जो है वो पाइनस के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 26, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म. ऑब्वियसली इट इज अगर बाय डायरेक्ट मेथड, जैसा हमने डिस्कस किया था, एनिमोफिलस होता है ना, इस एनिमोफिलस भी देखा तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट आएगा क्योंकि इसके अंदर एनिमोफिलस भी दे रखा है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ. रेजिन डक्ट इन पाइनस इज, ऑब्वियसली रेजिन डक्ट कौन सा होता है? रेजिन डक्ट साइजोजिनस होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक नोट दे रखा है. साइजोजिनस कौन कौन से होते हैं? रेजिन डक्ट ऑफ पाइनस एंड म्यूसिलेजिनस डक्ट इन साइकस. ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे साइजोजिनस कैविटी का मतलब क्या रहता है? फॉर्म्ड बाय द सेपरेशन ऑफ सिंगल सेल. और लाइसोजिनस कैविटी का मतलब क्या होता है? फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेवरल सेल. इसका एग्जांपल ऑयल कैविटी इन सिट्रस, यूकलिप्टस. और साइजोलाइसोजिनस दोनों कैविटी किसमें प्रेजेंट होती है? वाटर कैविटी होती है मेज के अंदर, वो उसका एग्जांपल है. सो द राइट आंसर इज साइजोजिनस. तो ये नोट्स आपके लिए है, इसको नोट करें आप. नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, पाइनस जिराल्डियाना इज, पोलन ग्रेन हैव 4 विंग, ठीक है, सीड आर विंग्ड, सीड आर नॉट इडिबल, सीड हैव 2 जनरेशन लॉन्ग इन. चलो, तो क्या करेक्ट आंसर ले सकते हैं इसके अंदर? सीड आर नॉट इडिबल, ठीक है, सीड हैव 2 जनरेशन लॉन्ग नीम, नहीं, सीड में 3 जनरेशन होता, तो ये भी गलत हो गया. सीड आर विंग, ऑप्शन 1 और 2 में से, तो पॉलन ग्रेन हैव 4 विंग. ओके, सीड आर, तो ऑप्शन 1 ही ज्यादा करेक्ट लग रहा है क्योंकि विंग 4 जो है वो पॉलन ग्रेन के अंदर ही होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो विद अरेंजमेंट ऑफ सेल इन 4 टायर एंड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर. क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी हमेशा किस में मिलती है? पाइनस में मिलती है. और इसी के अंदर ऑक्टेट एम्ब्रियो होता है जो 4 टायर में डिवाइड होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू पाइनस. ओके, द नंबर ऑफ कोटिलेडन इज 2, नो, 3 टू 18 होता है. पोलन ग्रेन सेड एट 4 सेल स्टेज, ये बिल्कुल करेक्ट है. मेल कॉर्न आर प्रेजेंट सिंगली, नो, इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप. एनिमोफिलस इनडायरेक्ट, नो, एनिमोफिलस डायरेक्ट होता है. तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया? सेकेंड हो गया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सिमिलर इन साइकस एंड गिंगो. ओके, लार्जेस्ट स्पर्म एंड ओव्यूल, नो, ये केवल साइकस में होता है. मल्टी सिलिटी स्पर्म होमोजेनस वुड, यस, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि ये दोनों के अंदर कॉमन है. जबकि फर्टिलाइजेशन साइफेनोगेमस साइकस में तो जोइडियो और साइफेनोगेमस दोनों प्रेजेंट होता है. अब्सेंस ऑफ आर्चिगोनियम एंड सोराइड, नो, आर्चिगोनियम केवल नीटम में एब्सेंट होता है, इन दोनों में एब्सेंट नहीं होता है. सो राइट आंसर इज सेकेंड, मल्टी सिलिटी स्पर्म एंड होमोजेनस वुड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, विच वन डज रिप्रेजेंट द एक्सेप्शनल केस ऑफ आर्चिगोनियट विदाउट आर्चिगोनिया. अभी भी बताया था आर्चिगोनिया किसमें ऑप्शन होती है? नीटम में. तो राइट आंसर कितना हो गया? थर्ड नंबर.
नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट करेक्ट फीचर विद रेस्पेक्ट टू फेदरोगेमस विदाउट ओवरी। ओके, यानी कि ये जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर रहा है। जिम्नोस्पर्म होमोजाइलस होता है, बिल्कुल हेटरोजाइलस नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर डायमॉर्फिक स्टेम सभी के अंदर नहीं मिलता है, और हेटरोस्पर्स होता है, बिल्कुल होता है, और साइफेनोगेमस विद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये भी सब में नहीं मिलता है। तो सीड विद एन एंड टू एन जनरेशन ये सब में मिलता है। तो बिल्कुल राइट करेक्ट क्या हो, बी डी एफ आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, क्योंकि सभी के अंदर मिले, मतलब सारा फीचर सभी इसके मिले। क्योंकि अपन हेटरोस्पोरस साइफेनोगेमस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि साइफेनोगेमस केवल लीटम वगैरह में मिलता है, साइकस में जोडियोगेमस में मिलता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अभी अभी किया था, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है और किसी के अंदर नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, द एडेप्टेशन इन कॉनिफर टू रिड्यूस वाटर लॉस इज द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, संकर स्टोमेटा, नीडल सेल, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सारे करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट्स होते हैं ये, जो वाटर के लॉस को कम करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 36, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, इट फैसिलिटेट द कंडक्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। एनालॉगस टू लेटरल वन, सही है। इट ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्टिरोम, सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, अकर्स इंटरनली फॉर वर्टिकल, नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होता है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, लार्जेस्ट इज नॉट फॉर्मिंग साइकिल, आर्चिक होगी। ओव्यूल लार्जेस्ट होता है, एग लार्जेस्ट होता है, स्पर्म लार्जेस्ट होता है, आर्चिक होगी लार्जेस्ट नहीं होता है। 38, नॉन आर्चिगोनियट एंड हेटरोजाइलस जिम्नोस्पर्म मेंबर इज, ऑब्वियसली इट इज नेटम, अभी भी बताया था, इसके अंदर आर्चिगोनिया नहीं होता है। हेटरोजाइलस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेसल्स भी प्रेजेंट होती है और ट्रैकिड्स भी प्रेजेंट होता है, सो वुड इज हेटरोजाइलस। 39, सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच, ऑब्वियसली सिट्रस, सिडार, वुड ऑयल, यहाँ एक फोर्थ नंबर थोड़ा सा कट हो चुका है, तो लेकिन इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि सिड्रस जो होता है वो जूनी पेर से ऑप्टेन होता है, सिडार वुड ऑयल से नहीं। इफेड्रा एंटी कैंसर था, टेक्सस एंटी कैंसर केमिकल ले सकते हैं, और इफेड्रा यहाँ पे थर्ड फोर्थ ऑप्शन अपन कह सकते हैं, इफेड्रा ले सकते हैं। इफेड्रा जो होता है वो सर्व होता है, तो यहाँ पे सर्व ऐसे सर्व लिया जा सकता है। सो राइट आंसर कितना होगा, फर्स्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, इन विच मेन स्टेम डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम एंड ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, द आंसर इज डेलिक्यूसेंट। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डेलिक्यूसेंट कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट, ऑल मेंबर ऑफ दीज ग्रुप हैव, इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है, तीनों में स्टील कॉमन हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड जो होते हैं वो टेडोफाइट में नहीं होते, हेटरोस्पर्स कंडीशन टेडोफाइट में नहीं होती, वो होमोस्पर्स रहती है, आर्चिगोनिया जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता, स्टील सब में होता, बिकॉज ऑल आर वैस्कुलर प्लांट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, कॉमर्शियली लेस इंपॉर्टेंट सॉफ्ट वुड साइकल्स इन नॉन एज, ओके, कॉमर्शियली लेस इंपॉर्टेंट सॉफ्ट वुड ऑफ साइकल इज नॉन एज, तो इसको हम कह सकते हैं मोनोजाइलिक, क्या कहेंगे हम उसको, मोनोजाइलिक। नेक्स्ट ले लेते हैं 43, बीच ऑफ द फॉरेज, अच्छा इसमें क्या करना है, कॉलम को मैच करना है। रेजिड केनाल किसके अंदर होगी, पाइनस के अंदर, यानी सी द ए का फोर्थ मैच करेगा, ए का फोर्थ कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बी पे थर्ड है हेट्रोजाइलस वुड, उसको देख लीजिए, बिल्कुल नीटम हेट्रोजाइलस वुड होते, तो ये दो से ही करेक्ट हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, अ ग्रुप ऑफ प्लांट विद पेंटामिनस फ्लावर, टैप रूट एंड नॉन एंडोस्पर्म, ऑब्वियसली द राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये सारी कंडीशन किसमें मिलती है, ऑल एंजियोस्पर्म के अंदर मिलती है, और पेंटामिनस फ्लावर, टैप रूट और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, देखो इसको ध्यान से देखें, ये दे रखा है पेंटामिनस फ्लावर, टैप रूट और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो डाइकॉट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑल एंजियोस्पर्म नहीं ले सकते, या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात की है, सो राइट ऑप्शन इज द सी, डाइकॉट।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पोलन ग्रेन ऑफ साइकस एंड पाइनस आर पॉलिनेटेड इन। ऑब्वियसली इन साइकस में 3 सेल स्टेट होता है और पाइनस के अंदर 4 सेल स्टेट होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 45 क्वेश्चन ऑफ द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो पुरानी फ्रेंड से तो बेल आइकन टू ऑल वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिल सके। सो गुड डे टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट 2020।